Hey everyone, welcome back. मैं हूँ ज्योति, as you know. And मैं हूँ श्रुति. How are you, Jojo? Are you ready for some comedy today? I am. I've been waiting for us to get to our recording because I was like, can't watch it. Ever since बस्सी ने अपना वीडियो ड्रॉप किया है, I'll be like looking through it and every time it keeps scrolling up on social media, I was like, नहीं नहीं, control yourself. अभी नहीं देखना, अभी नहीं देखना. So I'm really glad that we've gotten to it because इससे ज़्यादा control नहीं हो रहा था मुझसे. Yeah. I mean, he's dropped a new video on his channel after a year. A year. Can you imagine? Yeah. And with those three videos earlier, 2.4 million already subscribers hain. इस वीडियो के बाद पता नहीं कहाँ जाएगा. You know what's really interesting is in today's day and age, जहाँ पे specially comics are like the comedians are very strong content creators and वो रोज content create करते हैं. You know they're constantly creating, they're constantly blasting it all over social media. So in today's day and age, for बस ये एक मिनट साल में मैं एक करूँगा बहुत होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा. I love that. I don't know if he's doing it intentionally, but it's totally working. It's totally working. And so 15th April ko this dropped and it's right now at 4.6 million views already. So I think the man is unstoppable. And I'm so happy he's from... I'm not going to say anything. Nahi, nahi, bolo. Tumhara Jat blood, Jat connection ke liye call raha hai. Bolo, bolo. Kyun nahi? Just say. Chalo, okay na. Let's get to it. Please, I'm so Let's excited. Do it. It's 22 minutes long. Just say. I don't care. I love it. One, two, three, play. ठीक है चलो, स्टोरी बहुत ज़्यादा बक चली है, सुन लो. जब 12th खत्म करी ना तो मुझे बस मेरिट से बाहर आना था. मैं यहाँ नहीं रहना और. तो घर वाले ने कहा ये ड्रॉप कर लो. मैं कहा दिल्ली जाकर यहाँ नहीं रहेंगे. तो दिल्ली आ गए, KMC में एडमिशन भी हो गया. तो सैम आया था मेरे एक दोस्त मेरिट से मेरे साथ, वो भी KMC में. KMC हम दोनों ने एक PG में रूम ले लिया. काफ़ी आलिशान रूम था, दो सिंगल बेड थे. अलमारी के नाम पर एक माचिस की डब्बी लगी थी दीवार में. और जो आर्किटेक्ट था ना उसका, वो थोड़ा नशे में था. उसने दो दरवाजे बनाए थे, एक दरवाजा सड़क पे ही खुलता था. तो अगर कभी जाने अनजाने में खोल दो तो स्कूटी में लग जाता था किसी की. आदमी बढ़िया जा रहा, भग जाए थे गिर गया, किसी ने दरवाजा खोल दिया. तो हम उसे ज्यादातर बंद ही रखते थे क्योंकि हम भी नशे में जाते थे. तो उस कमरे में एक तरफ हम चाय बनाते थे, तो उधर एक बार चाय गिर गई थी तो उसके ऊपर अखबार बिछा दिया था. तो अब जो हेडलाइन थी वो चिपक गई थी. तो न्यूज़ के नाम पे हम रोज ये पढ़ते थे कि गाजियाबाद में सरेआम कत्ल हुआ है. और हम रोज वहां से निकलते हुए कहते गाजियाबाद में बहुत कत्ल हो रहे हैं यार. थोड़े दिन हम रहे, फिर हमने डिसाइड किया कि यार दारू पीते हैं. यार देखो, मेरठ से निकलने का मेन पर्पस ये था क्योंकि मैं बचपन से अपने पापा को देखता रहा था कि शाम को इस आदमी को ऐसा कौन सा पदार्थ मिलता है कि ये खुश हो जाता है. मैंने कहा मुझे यही चाहिए. और दारू की जितनी बॉटल आई ना घर में, मुझे एक भी बॉटल हमने कभी फेंकी नहीं. तो सारी हम संभाल के रखते थे, क्यों पता नहीं. ये म्यूचुअली डिसाइड भी नहीं होता यार. वो बस आई, फिर हमने कहा क्या हमारी तो है. इसने मुझे सिगरेट भी पिलानी शुरू कर दी मीठी मीठी बोल के. भाई पी के देख मीठी मीठी लगेगी. मैं कहता हूँ पी के देखी, मुझे लगी भी. मैंने कहा सही है. जितने लोग स्मोक करते हैं पता होगा कि छोटी गोल्ड में से ना धुआं बहुत आता है. जो नहीं करते मैं बता रहा हूँ आप. हाँ ऐसे गूगल मत करने लग जाना, आता है वो. पता नहीं उसका कोई बीमारी है, वो पुरानी सिगरेट कभी खींच लेती है, पता नहीं क्या उसके साथ. तो ना कमरे में धुएं से बादल बना के और बस उसे बैठ के देखता रहता था. मैं पूछता था क्या कर रहा है, कह रहा भाई देख उसमें कुछ दिख रहा है. मैं क्या दिख रहा है, कह रहा देख एक कुत्ता दिख रहा है. मैं देखता, मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है. फिर हम दूसरा बादल बनाते थे, फिर हम दोनों कुत्तों की लड़ाई कराते थे. तो ठीक चल रहा था हमारा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा था. फिर एक दिन हमने ऐसे डिसाइड करा कि आओ थोड़ी बहुत सफाई वफाई कर लेते हैं. हम निकले घर से कि थोड़ा सामान वान लेके आते हैं. बादल बना के कमरा बंद करके ताला लगा के हम लोग गए. पास की एक दुकान थी, वहाँ जाके हम भूल गए हम क्यों आए थे, सिगरेट पीने लगे. फिर याद आया तो मैंने वाइपर लिया, तो इसने बोला कि वाइपर मत ले यार, रख दे वापस. मैं कह रहे वो कत्ल के निशान मिटाने ले लेते. तो
कह रहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा अपने आप. मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो हमने बेसिकली हम कुछ लेने गए थे बिना लिए, थोड़ी देर में घूम घाम के वापस आ गए. तो हमारे यहाँ गैलरी थी, यहाँ वॉशरूम था, रूम से काफी दूर आर्किटेक्ट. होगी उसकी कुछ दिक्कत, मुझे नहीं पता क्या. तो ऐसे वॉशरूम था, चाबी इसके पास थी, भाग के आया और वॉशरूम में घुस गया. तो मैंने कहा चाबी? कह रहा नहीं दे रहा. ये क्या फेटिश है? मैं चाबी छिपा लूंगा अपने पास. मैं कहा भाई या तो मुझे भी अंदर ही बुला ले, मैं भी बाथरूम में आ जाता हूँ. तो कह रहे नहीं नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा, जब तक मैं बाहर नहीं आता तो बाहर घूम. मैं कहा और अंदर कुछ नहीं कर रहा है, छप छप की आवाज आ रही पानी की. पता नहीं बाल्टी में चाबी ही डुबो रहा था. मैं कहा भाई दे दे चाबी, दो तीन बार मांगी नहीं दी. मैं कहा ठीक है बाहर में जा, मुझे कुछ ना कुछ काम है. मैं बाहर आया, ऐसे थोड़ा सा ओपन एरिया था, उसमें ऐसे गोल गोल घूम रहा था. मैं ऐसे घूम रहा था तो मैंने देखा हमारे रूम के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ बैग टांग के. तो मुझे लगा ये सेल्समैन होगा, कुछ बेच रहा होगा. तो मैंने कहा अरे टाइम पास तो मिल गया. आओ इससे बकचोदी की जाए. तो मैंने कहा हाँ भाई क्या बेच रहे हो? वो कुछ बोला नहीं. मैंने कहा बताओ ना क्या बेच रहे हो? तो वो पलटा, कहता तुम कौन हो? मैं कहा मैं कस्टमर, बताना क्या बेच रहे हो. कह रहा मैं सैम का फादर हूँ. ये तो कोई बेचने की चीज. तो मुझे समझ नहीं आया इस पर रिएक्ट कैसे करते. मैं बस पलटा में चल दिया. कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं कस्टमर ना, कुछ खरीदने जा रहा हूँ. कह रहा सही से बता तुम करते क्या हो? मैंने कहा अंकल मैं ना पीछे डांस सिखाता हूँ वहाँ पे ना. कुछ समझ ही नहीं आया. मैं रियाज ही कर रहा था, आप आ गए एकदम से ना. थोड़ी दूर में भागा. कह रहे एक सेकंड तुम अनुभव हो ना? आप थोड़ी बात सीरियस होती जा रही है. मैं कहा नहीं. कह रहा मुझे सैम ने बताया तुम्हारे बारे में, और मैं ये सोच रहा हूँ अपने लड़के से स्केच बनवाता है क्या? उस टाइम फोटो तो होते नहीं थे. तो ये क्या दोस्त, हाँ बनाओ शक्ल बनाओ. तो यार देखो मैं भाग सकता था वहां से, लेकिन फिर मुझे एकदम से लगा कि आज क्या होने वाला है. ये आदमी अभी वॉशरूम से आएगा, ये अपना बाप देखेगा. फिर हम तीनों मिलके कमरा देखेंगे और ये संसार तमाशा देखेगा. मैं इस मोमेंट को मिस तो नहीं करना चाहता. तो मैं कहा बता देते हैं हम कौन है, क्योंकि देखो मुझे क्या डर था, ये आदमी क्या कर लेगा. वैसे तो है नहीं, मुझे पीट देगा. ज्यादा ज्यादा क्या मेरे घर पे फोन करोगे? कर लो. जो अभी टाइम हो रहा है मेरे पापा पक्का फोन उठा के बोलेंगे चीयर्स भाई साहब. मुझे कोई लोड नहीं था. मैंने पूरी कैलकुलेशन की अपने दिमाग में. मैंने कहा बता देते हैं. मैंने कहा हाँ अंकल मैं अनुभवी हूँ, मैं तो ऐसे ही मतलब थोड़ा मजाक कर रहा था आपसे. तो उसका मुंह देखे बोलना नहीं चाहता कि उससे मजाक कर रहा था मैं. भाई बिल्कुल बाप. हाँ जो मेरे पापा ना पापा हैं, ये बाप कहते हैं वो. लड़के ने तो बचपन से बाप बनना चाहते हैं कि स्माइल नहीं करेंगे वरना औलाद पैसे मांग लेगी. इतना सीरियस ऐसे खड़ा. मैं कहा ठीक है अंकल, मतलब मैं ही हूँ, आप बताओ कैसे हो आप? कह रहे हो सैम कहाँ है? हो गया शुरू. मैं कहा अंकल यहीं पे है, ये रहा यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम में. कह रहा बुलाओ उसको. मैं कहा भी बुलाते हैं. मैं गया, मैंने जाके गिर गया. मैंने कहा बैठी आपके फादर आए हैं. ये चमन चूतिया अंदर से बोला नहीं मिलेगी चाबी. का बैठी रख लो चाबी, आपके पापा आए हैं. अंदर से कह रहा मेरे डैड जी क्यों आएंगे?
तो यही आदमी बता पाएगा। मैंने कहा भाई यहाँ एक शख्स है जो क्लेम कर रहा है कि वो आपके पापा है, तो अब ये कंफर्म करने के लिए आप ही को आना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको समझ ही नहीं आ रही है बात, इसको लग रहा है मैं चाबी लेने के लिए अलग अलग बहाने बना रहा हूँ। तो अपनी जोन में खुश है, और ये कॉमर्स का था ना तो ये नया नया कूल बना था इंडिया। इसने कूल बनने के लिए दिल्ली आके कुछ लड़कों से दोस्ती करी थी और एमिनम सुनना शुरू किया था, पर इसके लिए नहीं था वो। मेरठ का लड़का एमिनम समझ रहे हो तुम, वहां के लड़के अभी भी मेमोरी कार्ड को चिप बोल रहे हैं यार। मैंने से फिर से बोला, मैंने कहा बाडी प्लीज मान जाओ आपके पापा आए हैं। अंदर से कह रहा है बडी लव द वे यू लाई। नहीं 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 अपने पापा का सब नॉट लाइंग। एक ही मिनट लगेगा बाहर आके चेक कर लेना। अलग फील में इतने अंकल आ गए कि हाँ चल क्या रहा है। अंकल आए, मैंने कहा अब पता है सारी गलती साथ भी खुद की, सब इनकी वजह से हुआ है। अगर ये उस दिन आके एक शब्द बोल देते तो वो लड़का सुन लेता, वो बाहर आ जाता, सब हो जाता। बाप है कैरेक्टर में रहना, यहाँ आके मुझसे कह रहे कि मैं बहन चो मम्मी हूँ मुझसे क्यों बोल रहा हूँ। ये तो ना लड़का अंदर तुम्हारा, हाँ बोल दो ना। नहीं कुछ खड़ा है मैं शांति से। मैंने कहा बाड़ी आ गए। यार पता है सब सच है। एकदम से इसका मेरठ ऊपर आया, एमिनम नीचे चला गया और इसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया। इसे लगा कि अब तो ये बहुत देर से बकचोदी कर रहा है, तो अब मुझे ऐसे जवाब देने का टाइम आ चुका है। इसने अंदर से इतनी बुरी बुरी गालियां देनी शुरू करी, इतनी बुरी बुरी कि स्टेज पे तो मैं दे भी नहीं सकता। ऐसे गालियों का लूप चला और मैं सोच रहा हूँ ये वाली तो बहुत एस्केलेट कर दिया यार। और ऐसे चला 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 और एकदम से एक लाइन आई, और तुझे पता है मेरा बाप कितना बड़ा चूतिया है। मैं इतनी रेंज में था कि थप्पड़ खा सकता हूं। फिर मुझे लगा कि आप ये बकचोदी चलती रहनी चाहिए। तो मैंने कहा कैसे, तो कह रहा पता नहीं क्यों आता है दिल्ली, और जब भी आता है एक आलू भुजे का पैकेट और चार लड्डू लेके आ जाता है। फिर मेट्रो स्टेशन से फोन करता है, मुझे मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है। उनके रहा ये नहीं कभी मैं चार दारू ले आए। मैं अंकल आपके संस्कार है, मतलब ऐसा ये चल रहा है अभी भी। अभी ये किसी और चीज को गाली दे रहा है जो हमें नहीं दिख रही है, अंदर ही कुछ है जिसे ही गाली दे रहा है। मैं कहा अंकल चले यहां से, आज का तो हो गया होगा, चले सारी सुन के जाओगे क्या। इतनी दूर गए होंगे, वॉशरूम के गेट में ऊपर जगह थी, इसने ऊपर से चाबी फेंक दी। कह रहा ले तू भी क्या याद रखेगा। देखा मैं याद रखूंगा। देखा बड़ी एक बार बाहर तो आओ, तुम क्या क्या याद रखोगे। अभी लेकिन मुझे एक डाउट हुआ कि यार जितनी गाली अंकल ने खाई ये आदमी अब ये नहीं देखेगा औलाद किसकी है, अब ये मानना चालू करेगा जो आएगा। तो मैं ऐसे महीने अब अंदर नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा जो पिटाई का इवेंट था वो तो रूम ही था ना हमारा, कि तो उससे पहले ही इतना कुछ हो गया। तो
तो मुझे लगा अभी से आ जाते थे तभी रूम दिखाएंगे, मैं नहीं जा रहा. अंकल कह रहे चाबी उठाओ. मैंने चाबी उठाई, उठाई खड़ा हो गया. कह रहा चलो. मैंने कहा हाँ चलने चलो. गेट के सामने जाके मैं खड़ा हूँ. कह रहे खोलो. मैं भूल गया कैसे खोलते. यार वो ताला भी ना 20-25 बार में खुलता था. मैंने उस दिन चाबी लगाई, कट से खुल गया वो. ऊपर वाला तो साथ नहीं दे रहा आज. मैंने ताला ऊपर अटकाया, कुंडी खोली. मैंने कहा अंकल अब आप कर लो. अंकल ने गेट खोला. पहले तो बादल आए. वो दो जर्मन शेफर्ड अंकल के ऊपर से गए. अब वो आदमी स्मोक नहीं करता. कह रहा ये क्या था. मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं. अंदर आओ अभी तो बिजली भी कड़क रही है, आ जाओ. अंकल अंदर घुसे, सामने एक चेयर पड़ी थी उस पर कपड़े भरे थे. मैंने कपड़े हटाए. मैंने कहा अंकल यहाँ बैठ जाओ, बस बैठ रहो. बाप लाइट जलाओ. मैंने कहा लाइट नहीं आ रही. वो पुराना वाला स्विच बोर्ड लगा हुआ था, उस पर वो इंडिकेटर नहीं लगा रहा था तो वो जल रहा था. तो कह रहा वो तो जल रहा है. मैं कहा ये इन्वर्टर जल रहा है. छोटा इन्वर्टर इतना ही लोड ले पाता. उठे लाइट जला दिया. मैं कहा इसमें आप अपने आप किया आपने जो किया. अब देख लो. आपने कमरा देखा. मैंने लाइव हार्ट अटैक आते देखा. उनका हाथ ऐसे दिल पे गया. मैं कहा ये मरेगा मेरे नाम लेके. मैंने कहा मना करा था ना मैं. बैठ जाओ. बैठ. उन्होंने सारी बोतल देखी. तो पहले तो नहीं ये समझ में नहीं आया कि शराब पीते हैं कबाड़ी काम करते हैं. बॉटल देखी और मतलब इतना जेन्युइन सवाल उनका कि पीते ही हो ना. देखा हाँ पीते. और देखा कि साफ सफाई देखी कितनी है. उठ के कमरे में घूमे. मैं उधर मत जाओ, कतलो रखा वहां पे. उन्होंने देखा हमारा चाय वाय का एरिया. कह रहे अच्छा अच्छा ठीक. एक तो बाप लोगों को ना बच्चा उनका आर्टिस्ट है उसकी कदर नहीं होती. आर्ट की कदर नहीं होती उन्हें. इतना सुंदर पिरामिड बनाया था हमने सिगरेट की डब्बियों से. तोड़ दिया. हम पंखा नहीं चलाते थे कि गिर जाएगा. आगे तोड़ दिया वो. और डिब्बियां देखना सारी. उसमें से एक डब्बी उठाई. उसमें से आवाज आई. खोली तो उसमें बीड़ी थी. कह रहे तुम सिगरेट भी नहीं पीते. नहीं अंकल पीते हैं. ये रात को 2 बजे का इमरजेंसी वाला है. वैसे भी बहुत पैसे बेचते हो ना. भाई वो करेक्टर आदमी थे यार. वो सैम उनसे पैसे मांगता था ना कि ये वाली 2 बुक्स चाहिए, पैसे दे दो. तो वही वाली 2 बुक भेज देते थे. हम दोनों पूरे मार्केट में बुक ले घूम रहे थे. कोई ले लो यार. हमारे तो कोर्स की भी नहीं है. अंकल ने देखा पूरा माहौल वाल. बैठ गए. अब वेट चल रहा है. मैं अंकल चाय पियो. कह रहा चाय पी तो तुम लोग. मैं पक्ष दिखने की जरूरत. टॉन्ट मत मारो. पी नहीं है तो बताओ. मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ. यहाँ पिटाई नहीं हो रही है. भाई इतने में हमारे हमारे सैबिनम साहब. देखो इस लड़के को बिल्कुल नहीं पता है बाहर क्या हो रहा है. इसकी दुनिया कहीं और है. ये वॉशरूम से निकला इसका ऐसे हाथ. निकला ये. वापस बाथरूम में गया, बंद कर लिया. और वहीं से चला रहा पापा माफ कर दो, कभी नहीं करो पापा. अंकल कह रहे बुला के लाओ इसे. मैं कहा फिर मैं बुला के लाऊं यार. अभी आया तो झपट्टा क्यों नहीं मारा आपने इस पे. तो मैं वापस गया. मैंने कहा बड़ी हो गया आप धप्पा हो गया, आ जाओ. मैं कहा देख लिया पापा ने, आ जाओ. अब कुछ नहीं हो सकता. बाहर आया कह रहा भाई क्या होगा. मैं कहा मुझे क्या पता, तेरा बाप है भाई.
मुझे पर देखना है, चल जल्दी. आई रूम माय फैमिली वैल्यूज. भाई नहाते पहले पैर छू. मैंने कहा अच्छा आशीर्वाद मिलेगा. बैठा अंकल ने कहा क्या है सब. कह रहा मैं नहीं करता. अंकल ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा मैं भी नहीं करता. मकान मालिक का है सब. मीठी मीठी बोल के सिगरेट पिलाता है लड़का. बकवास कर रहा, मैं नहीं करता. भाई अंकल ने तो थोड़ी देर डांटा कि तुम तो ब्राइट स्टूडेंट हो, मैं कॉमर्स का ही. कह रहे बेटा ये सब करने की क्या जरूरत है, फलान ठिकाना. वो डांटे डांटे, मैं कहा अब मारेंगे कुछ नहीं. उठे खुद बाथरूम गए, तुरंत वापस भी आ गए. मैं कहा इनका क्या चल रहा है इनकी फैमिली में. इन लोगों को सीधा सीधा टारगेट दिख क्यों नहीं रहा अपना. सामने मारो पैंच की तरह. फिर वो आप बताए, फिर उससे बातें कर रहे हैं कि तुमने मतलब क्यों किया होगा ये, बेटा गलत चीज़ें हैं. और मेरी तरफ देख के कह रहे हैं इन लड़कों के साथ रहना छोड़ दो. मैं कहा छोड़ देना, अभी मुझे वो दिखा दो जो देखने के लिए बैठा हूँ. कुछ नहीं, मैं ऐसे घूम रहा, मैंने अंकल का बैग देखा तो उसमें एक आलू भुजिया रखी, चार लड्डू रखे. मैंने आज तो नहीं निकालेंगे, आज तो इसे वापस ले जाएंगे. आज तो बात कर रहे हैं उसे करते करते मैंने आलू भुजिया निकाल दी. मैं कह रहे यार चाहते ही शर्म नहीं आ रही, अभी गाली खाई है. गाली आलू भुजिया रख दी, चार लड्डू रख दिए. कह रहे बेटा सुनो ये सब बिल्कुल बंद कर दो और वीकेंड पे मेरे उठाओ, तुमसे बात करता हूँ. बैग उठाया और चल दिए. ये क्या टाइम वेस्ट हुआ मेरा है? ये तो मतलब इतने कैरेक्टर में थे क्यों आप, अगर आपको इतना इजी काम नहीं आता तो. भाई वो चले गए. मैं कहा ये क्या हुआ यार, मैं तेरे पापा तुझे मारते नहीं है. कह रहा भाई मेरे पापा तो मुझे वाइपर से मारते हैं. मैं कहा तो इसलिए मना कर रहा था क्या. कह रहा हाँ भाई बचपन से सिर्फ वाइपर से ही मारते हैं. ये अजीब फेटिश नहीं तुम्हारी फैन. बाथरूम से बहुत ज्यादा लगाव नहीं तुम लोगों को. मैं और किस चीज से नहीं. कह रहा नहीं भाई उससे ही मारते हैं. मैं कहा तो अब क्या होगा. कह रहा कुछ नहीं, वीकेंड पे मेरठ जाऊंगा और पापा नया वाइपर लाएंगे और फिर उसके बाद आके दिखाऊंगा. चल दिखा दी भाई ऐसा कर ली. फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे, थोड़ा सैड हो गया ये. थोड़ी देर बैठे बैठे इसने बोला कि यार ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं. फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा कि क्या ही गलत कर रहे हैं. फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा क्या ही होता है गलत. किसी के लिए गलत किसी के लिए सही होता है. तो हमारे पास एक और क्वार्टर पड़ा था, हमने वो निकाला, एक एक पैक बनाया. भुजिया आई थी, इसका यूज भी तो करना था. हमने भुजिया गोली अपने अपने बादल बनाए. हमारे कुत्तों की लड़ाई होने वाली थी कि अंकल वापस आ. भाई वो दुकान से वाइपर लेने गया था. उनने स्वीटी नाम के वाइपर से जो सूता है ना उसको घुमा घुमा. अरे अंकल देखे मेरे को, अंकल लव द वे यू लाई. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. और यार ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई है 10-11 साल पुरानी है. अब तो काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, हम लोग काफी ज्यादा मैच्योर हो गए हैं. लास्ट लॉकडाउन में साथ में थे और काफी मैच्योरली बताया हमने लॉकडाउन. आप लोग देख सकते हैं एक वीडियो में, मैं अभी दिखा रहा हूँ, देखो आप एंजॉय करो. थैंक यू. But in the end, I didn't know whether to laugh or to like feel bad. That I know. Like I was just like a little like, what? Oh my God. But what is a wiper? I just want to correctly understand. Viper. What is a wiper? Arre, pani jo bathroom ke andar wipe karte hain. Like it's a danda with like a T at the bottom with like. Okay, that's fine. Yes, a wiper. Okay. I didn't know that's called a wiper. I was thinking car. What do you call it? But what do you call it? I don't know what I call it. It's just a mop. No, not a mopper. What is it? I don't know. I don't call viper. It. Swabber or viper. Yeah, something it is oh, called. Man. But oh my God, he
he just plays out the scene so well, no? Yeah. I think and his storytelling is so effortless. I actually like his storytelling much more than the story itself, always. Yeah. Like, it's the way he spins it around and the way he starts telling you. You're like, I don't care, kahani kya bol raha hai, but he's so funny. So, yeah, very nice. Such a harami. I have to use that word. He's so like waiting for his friend to get beaten up. I'm just here for the show. Where's the popcorn? But no, but what is the scene with guys when they live together? Why are they always so messy? And just... where to get into it now? I know. It's a very... All of it points towards patriarchy. I'm sorry to say, but jaise usne bola tha ke like, wo kya, what is the word? He said ki wo daant padne wali hai, phir bhi pehle usne jaake pair chue. Like, you know, it's like, it's the whole, jo sanskar hai. So yeah, it is all the good and the bad and the ugly of the sanskars. Yeah, but I mean, that is pair tuna and all is a good thing. Respect to any chai also. But guys, just, it's not that difficult. I mean, being messy also. Yeah, that's what I'm saying. Like, it's not that difficult to clean your house. It's actually fun. You know, in busy style. वैसे नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं. It's okay. मेरा मामा मजे आ रहे थे. My favorite part was how he said, buddy, buddy. And like how, the, you know, when he said कि वहाँ चाय गिर गई थी और वहाँ newspaper रखा था और वहाँ छप गया था वो. I have experienced that many, many times because I have lived like in over 3 hostels and that's not just a men, like a man hostel thing. It's like girls hostel mein bhi yahi hota hai. Really? Yeah. Some people can be really dirty. And then you just look at that. And then after some point, it begins to look so beautiful that you then don't want to erase your artwork. What? Basically. Yeah. Oh, someday, if they come, let's do it. But then you're like, yeah, kitna sundar lag raha hai. What if I miss it tomorrow? So then you don't. So, but if it's chai that's spilled there, it literally takes a second to wipe it with No. It is when chapai happens on it. Whatever you put over it, the ink gets leaked because of gheelapan and comes on the surface, no? So then it becomes like artwork. But why? It's a chojo. Yeah. I don't know if I want to. Why? But if there's something spilled there, chai is usually sweet with sugar in it. So won't the flies and all go there? And, of course, they add to the charm. Please just take a tissue and wipe it. It's much easier. Tissue, because that will be available in such a room. Sure. Whatever, kapda, geela kapda, whatever. But yeah, anyway, but this was fun. I think we all have roommate stories. I have done, but this guy, the way he lays it all out and tells the story is amazing. Love it. Bassi Saab, Saminem and Bassi Saab, nice story. Well done. Sad that you got beaten up at the end. That I don't think. Unless you're proud of it. So then, which is good. I mean, it makes for a good tale, clearly. Yes. So, oh, look at his comment. He's commented on his own video and he's written first. Full stop. I love it. On that note, I just hope he drops another video. Chalo, ek saal na sahi, 6 mahine sahi. Like, you know, why does it have to be one year ka wait? I hope this time around, at least 6 mahine mein once it should come. I think they end up recording certain shows of theirs. And now in this last year, it's just been difficult to record any shows or even have shows. I think thode time ke liye they were having some. But now again, it's all lockdown, I think. So anyway, let's see when the next video comes out. This one was hilarious. Let us know what other comedy videos we should get to. DM me your suggestions and check out Ms. Bola's channel. It's linked below. Thank you. We'll see you in the next one. Bye.